शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्षद विजय चुटेले के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। प्रभाग क्रमांक 17 के पार्षद विजय चुटेले इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यालय में बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा रहा। ऑटो चालक से लेकर परिसर के नागरिक और भाजपा पदाधिकारी आदियों ने विजय चुटेले को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। इस मौके पर पार्षद विजय चुटेले इन्होंने मौजूद लोगों को मास्क और अनाज किट का वितरण किया। शहर के ऑटो चालकों ने अनाज किट का लाभ लिया। अपने जन्मदिन पर पार्षद विजय चुटेले इन्होंने सामाजिक कार्य करते हुए इन विषय समक्ष जानकारी दी। प्रभाग क्रमांक 17 के पार्षद विजय चुटेले आज इनका जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर आज जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण और मास्क का वितरण किया गया। इस समय में पार्षद विजय चुटेले हमारे साथ में, उनसे ही जानना चाहेंगे। विजय, ये बताएं कि सबसे पहले आपका इन विषय के तमाम दर्शकों की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां हम आपको देते हैं। आप ये बताएं कि अनाज किट का वितरण करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि सभी को बताया कि पूरे विश्व में जो महामारी का आलम निरंतर फैलता जा रहा है, उसी को चलते जो 22 तारीख से अपने पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी इनके वहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया था, आज तकरीबन 3 महीना इस लॉकडाउन के चलते जो लोगों पे आपदा आ पड़ी है। जैसे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बहुत कमाई करके जो अपना पालन पोषण करते हैं, ऐसे कुछ परिवार जो हमारे प्रभाग में रहते थे, प्रभाग क्रमांक 17 में जो लोग अपने रोज कमाई करके अपना पालन पोषण करते थे, ऐसे परिवार को निरंतर 3 महीने से हमारे दक्षिण पश्चिम के आमदार और माजी मुख्यमंत्री और अभी के विरोधी पक्ष नेते सम्मानित देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे संदीप जी जोशी जो नागपुर नगरी के महापौर है, इनके सहयोग से यहाँ पर तकरीबन 1500 लोगों को अपन ने अनाज की किट का वितरण यहाँ कर रहे हैं। और आगे भी जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति आगे जो बनी रहती है, तो ये आगे भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे प्रभाग में जो ऑटो चालक है, जो पिछले 3 महीने से आज घरों में बैठे हैं, जो अपना रोज कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, ऐसे ऑटो चालक के ऊपर भी आर्थिक आपदा आ पड़ी थी। हमने हमारे अध्यक्ष जो इस प्रभाग के जो ऑटो संगठन के अध्यक्ष माननीय धर्माजी बागड़े, इनके माध्यम से ऑटो चालक तकरीबन 250 लोगों की लिस्ट हमने मंगाए और उनको पिछले हफ्ते से तकरीबन 200-250 लोगों को यहाँ पे अपन ने किट का वितरण किया है। और आज जन्मदिन का जो उपलक्ष्य में आप लोगों का जो ये सहयोग और जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं सबसे पहले तो बीसीएन को, इन बीसीएन को धन्यवाद दूंगा कि उनके मार्फत जो लोगों का प्यार और मोहब्बत हमें हमेशा मिलती है इस प्रभाग में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो ई रिक्शा चालक है सम्माननीय नितिन जी गडकरी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ 22 लोगों को हमने ई रिक्शा का वितरण किए थे। वैसे भी ई रिक्शा धारक आज काम न होने के कारण घरों पर अपने बैठे हुए, ऐसे ही परिवार को हमने यहाँ बुलाया और ई रिक्शा धारक को भी अपने किट का वितरण कर रहे हैं। तो आप थे पार्षद 17 के विजय चुटेले, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए बताया कि किस तरह से अनाज किट का वितरण ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी लोगों के कामकाज बंद है। ऐसे में कई गरीब बेसहारा और जरूरतमंदों को भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे शहर में कई सामाजिक संस्था, कई पार्टी के लोग अपने तरीके से इन लोगों को अनाज किट का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रभाग क्रमांक 17 के विजय चुटेले, इनके जन्मदिन के अवसर पर यह किट और मास्क का वितरण किया गया है, जिससे लोगों में काफी एक राहत भरी काम हुआ है। और इस तरह के के चलते और भी कामकाज करते हुए वे नजर आएंगे, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने इस मौके पे दिया है। प्रभाग क्रमांक 17 से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मुरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।